हमारे यहाँ जो ड्रामे बन रहे हैं आजकल, एज अ व्यूअर आई एम श्योर आप देखती भी होंगी कुछ ड्रामे, आप नहीं महसूस करती यार ये वही कहानियाँ उसी में फंसे हुए हैं? मतलब ऑब्वियसली एक थी लैला तो इज अ वेलकम चेंज, बट बाय एंड लार्ज हम वही फंसे हुए हैं घरेलू मसाइल के अंदर, घरेलू मसलों के अंदर, मतलब कब हम निकलेंगे बाहर? मेरे ख्याल से इसमें ना बहुत बड़ा, बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना वो कंटेंट की चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी अपनी ऑडियंस का भी है जो ड्रामे सबसे ज़्यादा देख रही है, क्योंकि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखेंगे उसकी रेटिंग आएगी, रेटिंग आएगी प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, फिर प्रोड्यूसर वही वाला कॉन्टेंट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो भी एक बिज़नेस कर रहा है, तो आप उसको नहीं कुछ गलत कह सकते। आप ही नहीं चेंज मांग रहे तो फिर प्रोड्यूसर आपको क्यों चेंज देगा? और फिर जब आपको कोई चेंज स्क्रिप्ट मिलता है तो लोग देखना इतना पसंद नहीं करते, लोग बोलते हैं कि यार ये क्या है ये क्या है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया रकीब से, तो उसमें मुझे एक खातून मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि रकीब से इतना अच्छा नहीं था, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा जी आपको क्यों नहीं समझ आया, मतलब I did not ask much, क्योंकि उनका अपना ओपिनियन है which I don't mind, हाँ। किसी को पसंद आया किसी को नहीं आया, बट उस नहीं। मैंने कहा अगर उसी की जगह कोई यंग कपल होता, उसका लव बन रहा होता, उसके रोमांटिक लव स्टोरी चल रही होती, तो वो आपको बड़ा पसंद आता, क्योंकि वहाँ पे आपको एक यंग लड़की और यंग लड़का दिख रहा होता जो आपको हर कहानी में ड्रामे में दिख रहा होता है। वहाँ पे आपको ज़रा मिडिल एज ग्रुप आपको एक कपल मिला था तो वो आपको इतना मज़ा नहीं दिया कि यार ये क्या है। तो मैंने कहा वो एक डिफरेंट कहानी थी, अब उसको अब क्या ही कर सकते।